आज की रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे छोला तुरैया दही में। उसके लिए हमने यहाँ पर एक चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है और उसमें डाले हैं आधा चम्मच जीरा। जीरे के साथ हम इसमें लेंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच और हाफ चम्मच धनिया पाउडर। नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार और इसी में डालेंगे हम चुटकी भर हींग, इससे और भी अच्छा टेस्ट आएगा। मसालों के साथ पानी डालेंगे और जीरा हमारा तेल में भुन गया है, तो अब हम इस मसाले को भुने हुए जीरे में डालेंगे और सेकेंगे। एक मिनट मसाला भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे दो से तीन छिलके निकाल करके पीस करके छोटे छोटे छोला तुरैया, इसको डाला मसाले में हमने। इससे जो है मसाला अंदर तक इसमें जाएगा और ये बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। छोला तुरैया को ढककर 5 मिनट हाई फ्लेम पर पका लेंगे और पकाने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया है ताकि ये हमारी जो है बर्तन के तले में ना लगे और जले ना। चलिए हम इसको ढक करके पकाते हैं 5 मिनट। तुरैया को हमने हाई फ्लेम पर 5 मिनट ढक करके पका लिया है। अच्छे से पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दही, जिससे हमारी तुरैया का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। फ्लेम ऑफ करके दही मिक्स करना है, नहीं तो दही जो है हाई फ्लेम के कारण इसमें फट जाएगा। 1 मिनट बाद फ्लेम को ऑन करेंगे और लो फ्लेम पर हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए चलाते हुए पकाएंगे ताकि जो दही का कच्चापन है वो इसमें ना रहे। लगातार चलाते हुए हमने इसको 2 मिनट पका लिया है और छोला तुरैया जो है हमारी अच्छे से पक करके तैयार हो गई है। अब हम इसको करेंगे गर्मा गर्म सर्व। निकालते हैं इसको हम एक बाउल में। गर्मा गर्म सर्व करने के लिए छोला तुरैया हमने बाउल में निकाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे गार्निश के तौर पर कटा हुआ हरा धनिया। अगर आपको मेरी छोला तुरैया रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और दबाइए बेल आइकन ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।